लॉज है उससे डिफरेंट मैसेज सोसाइटी में नहीं जा रहा था। लोग इस बिल में क्या क्या नेक्स्ट इज एक्सपेंड द स्कोप ऑफ क्राइम एंड डिसएग्रीगेट द ऑफेंसेस ऑफ ट्रैफिकिंग विथ एनहांस पनिशमेंट एंड फाइन। प्लीड करने के लिए पीपी नहीं मिलता, वकील नहीं मिलते हैं, तो यहां उसका भी प्रोविजन है कि स्पेशल पीपी उनको मिलेंगे। एंड सिम लॉज है उससे डिफरेंट मैसेज सोसाइटी में नहीं जा रहा था। लोग इस बिल में क्या क्या नेक्स्ट इज एक्सपेंड द स्कोप ऑफ क्राइम एंड disaggregate the offenses of trafficking with enhanced punishment and fine. Plead करने के लिए PP नहीं मिलता, वकील नहीं मिलते हैं, तो यहाँ उसका भी provision है कि special PP उनको मिलेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा इशू है और हम सब में लगभग करीब 17 सालों 18 सालों से इस मुद्दे को लेकर काफ़ी काम करने का हम सबको मौका मिला है और ये देश में पहला ऐसा एक बिल आया है जिस बिल में बहुत ही मजबूती के साथ में सरकार ने इस बिल को लाया है और ये बिल संसद में ऑलरेडी पास हो चुका है लोकसभा में और राज्यसभा में पास होने की बात चल रही है। मुझे लगता है कि ये बिल पास हो जाने के बाद झारखंड एक चूँकि बहुत बड़ा सोर्सेस स्टेट है, काफ़ी सोर्सेस स्टेट है जहाँ से हज़ारों की संख्या में लड़कियाँ यहाँ से गाय और बैल से कम कीमतों में बेची जा रही हैं। लगभग 10 से 12 हज़ार एवरी ईयर यहाँ से बच्चे ट्रैफिकिंग के शिकार। सबसे बड़ा दुखद स्थिति यह है कि झारखंड से बेटियाँ जा रही हैं और इनके लिए बिल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जहाँ पर उनके रिहेबिलिटेशन, उनके प्रोटेक्शंस, उनके राइट्स ये सब मिल पाएगा जिससे बच्चों को हम सब जब वापस लाते हैं, जब वहाँ पर रखते हैं, फैमिली जब एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये जो बिल है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज हम लोगों ने अभी हमारे बीच में IG ऑर्गेनाइज क्राइम है, महिला आयोग के अध्यक्ष है, सभी सभी सब प्रकार के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।